कांग्रेस का मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमूल्य नीरज खलको, विनय सिन्हा, दीपू राकेश सिन्हा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और अजय नाथ सहदेव मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया संयोजक गजेंद्र सिंह भी पहुंचे। रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने हिंसा के दौरान हुए पुलिसिया कार्रवाई को सही बताया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने मामले की जांच एनआईए से कराने का आग्रह किया है। कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता को फैक्ट के साथ रेजोएंडर फाइल करने का निर्देश दिया है। 3 सप्ताह के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। झारखंड में लैंड सर्वे पूरा कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। रांची में पुलिस मुख्यालय में झारखंड में कार्यरत तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ डीजीपी की बैठक हुई। बैठक में इन कंपनियों को स्थानीय गैंगस्टर, रंगदार और नक्सल ग्रुप से हो रहे परेशानियों के बारे में विचार विमर्श हुआ। तेल और गैस कंपनियों के साथ ऑन शोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक एक बार फिर शुरू किया गया। नेसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज में बन रहे लॉजिस्टिक पार्क का ग्रामीणों ने विरोध किया है। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी विरोध स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि कंपनी ने हमारे आने जाने का रास्ता अवरोध कर दिया है, जिस कारण हमें काफी घूमकर आना जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने आने में परेशानी हो रही है। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी ग्रामीणों को समर्थन दिया है। बोकारो के चास के तेलाडी रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर के समीप आंगनबाड़ी केंद्र में रोटरी क्लब बोकारो द्वारा 23 बच्चों के बीच पोशाक के साथ बिस्कुट चॉकलेट वितरण किया गया। रोटरी क्लब संरक्षक संजय बैद ने कहा कि चास रोटरी क्लब अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सदैव तत्पर रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बीच पोशाक का वितरण किया गया है, जिससे छात्र छात्रा में पढ़ने की जिज्ञासा जगे। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव हुए कचरा फेंकने को लेकर आपस में दो परिवार भिड़ गए। विवाद में एक व्यक्ति को रॉड से मारकर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के जाने माने आरएसएस कार्यकर्ता एवं ग्राम रक्षा दल के सदस्य दुमा गांव निवासी शंकर दाग की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रूप में रात में शहर पूरा जाने के क्रम में रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। वे वनवासी कल्याण केंद्र के जिला कार्य प्रमुख थे। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है।